लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष पीएस संगमा का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। पूर्वोत्तर के छोटे से राज्य मेघालय से राजनीति की शुरुआत करने वाले पीएस संगमा ने देश की राजनीति में जो मुकाम हासिल किया था उसे कोई भुला नहीं सकता। सार्वजनिक जीवन के राष्ट्रीय फलक पर उनके योगदान को आज पूरा देश नम आंखों से याद कर रहा है। लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर सदन चलाने की अपनी इसी शैली के चलते सबके दिलों पर राज करने वाले पूर्णो अगितो संगमा की आवाज अब हम सबको सुनने को नहीं मिलेगी। गुरुवार तक संसद के गलियारों में सबसे हंस हंस कर बात करने वाले पीए संगमा ने शुक्रवार की सुबह सबसे विदा ले ली। राजधानी दिल्ली स्थित घर में उन्हें सुबह दिल का दौरा पड़ा और राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाते जाते उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके निधन की खबर राजधानी के सियासी हलकों में आग की तरह फैली और जिसने भी सुना वो थोड़ी देर के लिए सन्न रह गया। 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भरे मन से उन्हें याद किया। हंसते हंसते सदन कैसे चलाना, ये मैंने एक प्रकार से माननीय संगमा जी से सीखा, ऐसा कहो तो गलत नहीं होगा। सदन ने मौन रखकर संगमा को श्रद्धांजलि दी। बाद में लोकसभा की कार्यवाही भी उनके सम्मान में दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने संगमा के निधन पर शोक जताया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनके निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि ये खबर सुनकर वो सदमे में हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के पूर्वोत्तर हिस्सों के लिए उन्होंने काफी काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा के निधन पर शोक जताते हुए आज कहा कि पूर्वोत्तर के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। पीएम ने ट्वीट किया, लोकसभा स्पीकर के तौर पर संगमा के कार्यकाल को भुलाया नहीं जा सकता। उनका जमीन से जुड़ा विनम्र व्यक्तित्व और उनके मिलनसार स्वभाव ने हर किसी को आकर्षित किया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उनके निधन पर शोक जताते हुए कहा कि वो एक ऐसे नेता थे जो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के मन में कोई शत्रु भाव नहीं रखते थे। कई और मंत्रियों और नेताओं ने भी उनके निधन पर शोक जताया है। ये सचमुच में बहुत दुखद समाचार है पूरा देश के लिए और विशेष रूप में पूर्वोत्तर इलाका के लिए और मेघालय के लिए। I express my heartfelt condolences. It was a shocking news because he was quite fit, quite active, and also member of parliament. Still yesterday I was told that he was in Lok Sabha. On behalf of me and my party, we'll always remember him. संगमा के आवास पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया। प्रसार भारती के चेयरमैन ए सूर्यप्रकाश भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। कभी कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शामिल रहे संगमा 9 बार लोकसभा के सदस्य रहे और 11वीं बार लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए। 1 सितंबर 1947 को मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स जिले की खूबसूरत वादियों में बसे गांव छपाहाती में जन्मे संगमा का बचपन इसी छोटे से आदिवासी गांव में बीता और उन्हें जिंदगी में कड़ा संघर्ष करना पड़ा। उनके राजनीतिक सफर की बात करें तो 1973 में संगमा मेघालय प्रदेश युवा कांग्रेस समिति के अध्यक्ष चुने गए। कुछ समय बाद ही वो महासचिव नियुक्त हुए। 1975 से 1980 तक वो महासचिव के पद पर रहे। 1977 में लोकसभा चुनाव में पीए संगमा तुरा सीट से पहली बार सांसद बने। 14वीं लोकसभा चुनावों तक वो इस पद पर लगातार जीतते रहे। हालांकि वो 9वीं लोकसभा के चुनाव में चुनाव हार गए। 1980 से 1988 तक पीए संगमा केंद्र सरकार में भी अहम पदों पर रहे। 1988 से 91 तक वो मेघालय के सीएम रहे। कांग्रेस में रहते हुए 1996 में वो लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुने गए और 1998 तक इस पद पर रहे। 1999 में सोनिया के विदेशी मूल के मसले पर उपजे गतिरोध के दौरान वो कांग्रेस से अलग हुए और शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया। 2012 में राष्ट्रपति पद की दौड़ से हटने से इनकार करने के चलते एनसीपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। एनसीपी से निष्कासित किए जाने के बाद उन्होंने जनवरी 2013 में नेशनल पीपल्स पार्टी का गठन किया था। संगमा के 4 बच्चों में उनकी पुत्री अगाथा संगमा सांसद भी हैं। उनके नाम भारत की लोकसभा की सबसे कम आयु वाली सदस्य बनने का रिकॉर्ड भी है। मेघालय विधानसभा में मुख्यमंत्री मुकुल संगमा ने उनको याद किया। इस दौरान कई बार उनकी आंखें नम हो गईं। मेघालय में 7 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है। ये उनकी शख्सियत का ही कमाल था कि मेघालय जैसे छोटे राज्य से आकर भी वो देश की राजनीति पर छा गए। न्यूज़ नाइट डेस्क, DD न्यूज़।